आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेके बैंक का एग्जाम कैसे क्रैक करना है, एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है और अगर समय कम है तो कौन सा टॉपिक छोड़े, सभी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए, बैंक पीओ का एग्जाम हो या बैंक एसोसिएट का एग्जाम हो, प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है। प्रीलिम्स के एग्जाम में हमें तीन सेक्शंस आती हैं, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इंग्लिश के टोटल क्वेश्चंस होंगे 30 और 30 ही मार्क्स होंगे, मतलब एक क्वेश्चन हमारा होगा एक मार्क्स का और टाइम दिया जाएगा 20 मिनट। और वहीं एप्टीट्यूड के टोटल क्वेश्चंस होंगे 35 और 35 ही मार्क्स होंगे और टाइम दिया जाएगा 20 मिनट्स। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स भी 35 होंगे और टाइम होगा 20 मिनट्स। टोटल क्वेश्चंस हुए 100 और मार्क्स होंगे 100, टाइम भी होगा 60 मिनट्स। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये जो टाइमिंग है ये सेक्शनल टाइमिंग है। जैसे ही आपका 20 मिनट्स एक सेक्शन में कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हो। मतलब जैसे कि आपके इंग्लिश के 20 मिनट्स पूरे हो गए हैं तो आप तभी एप्टीट्यूड पे जा सकते हो। एप्टीट्यूड के 20 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप रीजनिंग सेक्शन को स्विच कर सकते हो। पहले क्या होता था कि हमें पूरे एग्जाम के लिए एक घंटा दे दिया जाता था और हम किसी भी टाइम पे किसी भी सेक्शन को स्विच कर सकते थे। और उस टाइम पे बच्चे बेनिफिट ये लेते थे कि जिनकी रीजनिंग स्ट्रांग है वो रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते थे, इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते थे और एप्टीट्यूड के थोड़े कम रखते थे और एप्टीट्यूड का कट ऑफ भी कम जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको हर सेक्शन के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे और आप 20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, पर करेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, का बिल्कुल ना मारें, सही ऑप्शन पर ही क्लिक करें। तो चलिए, ये थी ज़रा सी नॉलेज एग्जाम पैटर्न के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये दो क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं टोटल। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन होते हैं, पैरा जंबल के भी 5 क्वेश्चन होते हैं, एरर स्पॉट में 5 क्वेश्चंस होते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स पे उन पे डिपेंड करता है, ये कई कई बार तो आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ही आ जाते हैं। और पैराग्राफ कंप्लीशन इसके भी 5 क्वेश्चंस होते हैं। ये हो गए टोटल हमारे 30 क्वेश्चंस। सबसे पहले अगर हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कवर करना है तो हमें रोज का न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा आपका। अगर आपके इंग्लिश लैंग्वेज में बेस क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्ट द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया पे स्विच ना करें, जबकि आप डेली एक्सेलशियर रोज का पढ़ते रहें। डेली एक्सेलशियर में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होता। डेली एक्सेलशियर के आप आर्टिकल्स रोज पढ़ें, सर ज़्यादा हाई फाई न्यूज़पेपर को ना पढ़ें। अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है आप डायरेक्ट 0 से 10 पे स्विच ना करें। पहले आप अपना बेस क्लियर करें, डेली एक्सेलशियर पढ़ें और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्ट हाई फाई न्यूज़पेपर पे स्विच ना करें, आप डेली एक्सेलशियर पढ़ते रहें, वहीं से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर हो जाएगा। और ये इनफैक्ट आपका क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर स्पॉट, पैराग्राफ कंप्लीशन, ये सब आपके वहीं से कवर हो जाएगा। आपको एक बार रीडिंग की हैबिट पड़ जाएगी आपके ये सारे टॉपिक्स वहीं से कवर हो जाएंगे। इसमें बाद अगर आपकी रीडिंग हैबिट बन जाती है, अगर आपको लगता है कि आपको लोकल न्यूज़पेपर अच्छी तरह समझ आ जाता है, आप फुल कंसंट्रेशन आपका फोकस हो गया है, तब कहीं जाके आप नेशनल न्यूज़पेपर पे स्विच करिएगा। और साथ ब साथ आपको ग्रामर भी कवर करनी है। ग्रामर में सभी टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ग्रामर में टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे वर्ब हो गया, टेंस हो गया, फिर पैसिव वॉइस, नरेशंस, क्वेश्चन टैग कहाँ पे लगना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रपोजिशन, एडवर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस, ये सभी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। क्लोज टेस्ट में जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रपोजिशन, एडवर्ब, ये सब जो होता है ये क्लोज टेस्ट में ही आ जाता है। इनके ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स किस में आएगा कौन। और यही सब चीज़ें एरर स्पॉट में भी आती हैं। आप एरर स्पॉट को कवर करने के लिए आप 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को जरूर पढ़ें। एरर स्पॉट में कभी कभी सिंगुलर प्लूरल का भी पूछ लेते हैं, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और रहा पैराग्राफ कंप्लीशन के लिए, पैराग्राफ कंप्लीशन के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पैराग्राफ कंप्लीशन में आप फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट आप इजीली जज कर सकते हैं, पर जो बीच वाली सेकंड, थर्ड और फोर्थ होती है ये जज करना मुश्किल होती है। उसके लिए आपकी जब हैबिट बन जाएगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, आप इजीली मेकआउट कर लेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है।
यहाँ पे काफी बच्चे पूछते हैं कि कौन सी बुक हम रेफर करें, तो मैं कहता हूँ कि आप कोई भी इंग्लिश की बुक ले लीजिए, ग्रामर की बुक ले लीजिए, वहां से अपना कंसेप्ट क्लियर करें। आपको सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करके आप मॉक टेस्ट दें, जब बुक के एंड पे क्वेश्चंस होते हैं आप उनको जरूर अटेंड करें। नेक्स्ट सेक्शन पे स्विच करते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट सेक्शन है हमारी रीजनिंग की। रीजनिंग में जो टॉपिक्स आते हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशियंसी, इनइक्वालिटी, पजल, सिलॉगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग। टोटल क्वेश्चंस होंगे 35, मार्क्स होंगे 35 और टाइम होगा 20 मिनट्स। फटाफट से मैं आपको हर टॉपिक की वेटेज बता देता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग के ऑलमोस्ट आपको एक या दो से क्वेश्चंस आएंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में दो या तीन भी आ सकते हैं कई बार, डायरेक्शन के भी दो या तीन आ जाते हैं कई बार, बट मैक्सिमम टाइम्स दो ही आए हैं, तीन बहुत रेयर होते हैं। डेटा सफिशियंसी के भी दो ही क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो क्वेश्चंस यही वेटेज होती है। इनइक्वालिटी के पांच क्वेश्चंस होते हैं, आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। इनइक्वालिटी के पांच क्वेश्चंस आते हैं, पांच नंबर के। इनइक्वालिटी से पांच नंबर स्कोर करना बहुत ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पजल्स। पजल्स में आते हैं हमारे सीटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट। अब पजल में कई बार क्या होता है कि एक पजल भी आ जाता है जिसके फर्दर पांच क्वेश्चंस होते हैं, कई बार दो क्वेश्चंस आ गए पजल के जिसमें टोटल हो गए 10 क्वेश्चंस, एक एक पजल के पांच पांच क्वेश्चंस। वैसे पजल का अब कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि अभी IBPS ने RRB का जो एग्जाम कंडक्ट किया था उसमें मोस्टली क्वेश्चंस पजल्स ही थे, तो आप पजल पे अपना स्ट्रांग होल्ड बना लीजिए। पर जब आप एग्जाम में पजल्स सॉल्व करोगे तो पजल्स अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो इमोशनल मत होइएगा, नहीं सॉल्व हो रहे हैं आप स्विच कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्किप कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगर वो भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए पजल्स, बिकॉज पजल्स जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर सॉल्व हो जाती है आपके 5 या 10 मार्क्स उसी टाइम बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म जो है बहुत इजी टॉपिक है और इसके पांच क्वेश्चंस आते हैं, ये आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मोस्टली दो ही क्वेश्चंस आते हैं, जब आजकल ब्लड रिलेशंस और पजल्स मिक्स आ रहे हैं तो ब्लड रिलेशन सॉल्व करना बहुत इजी है, आप कर लोगे। इनपुट आउटपुट के पांच क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। इनपुट आउटपुट भी आपके पांच नंबर यहीं से बन जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के हार्डली दो या तीन क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग। तो ये थे रीजनिंग के टॉपिक्स। देखिए अगर रीजनिंग में एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, वहीं के वहीं छोड़ दें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, ईगो पे आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, क्वेश्चन को ईगो पर मत लीजिएगा और उसी टाइम वहीं पे अबॉर्ड कीजिए वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। अब बात है कि हम रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लें, कौन सी बुक सबसे अच्छी है। मैं फिर से यही बात कहूंगा कि सभी बुक्स अच्छी हैं, आप कोई भी शॉप पे जाके कोई भी बुक ले लीजिए, आप उसको कंसेप्ट समझिए और उस पे क्वेश्चंस निकालिए। मिनिमम आप रखिए कि आपको दिन में एक टॉपिक कवर करना है और उस पे 100 क्वेश्चंस मिनिमम सॉल्व करने ही करने हैं। जब आपके 100 क्वेश्चंस एक टॉपिक पे हो जाएं तभी दूसरे टॉपिक पे स्विच करें, और आप मार्केट से कोई भी बुक ले सकते हैं, सभी बुक्स अच्छी हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जाने की मैथ्स। अब मैथ्स में हमारे टॉपिक आते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड स्पीड, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड देन परसेंटेज। देखिए मैथ्स के तो आते हैं 35 क्वेश्चंस और 35 मार्क्स के होते हैं, 20 मिनट ही दिए जाते हैं। अब हमें मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है, कौन से टॉपिक हम सबसे पहले, कौन से क्वेश्चंस हम सबसे पहले एग्जाम में सॉल्व करें। सबसे पहले आप एग्जाम में पकड़ लें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पांच क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत इजी होते हैं सॉल्व करना, आप पांच नंबर यहीं से स्कोर कर लोगे। उसके बाद आप सॉल्व करें सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन पकड़ लें या DI पकड़ लें, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद जहां तो आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस पकड़ लें या तो DI के क्वेश्चंस पकड़ लें। तो अप्रोक्सीमेशन के टोटल क्वेश्चंस आते हैं पांच, तो बहुत इजी होते हैं सॉल्व करना, आप ये जल्दी से सॉल्व कर लोगे, यहाँ से भी आप इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के पांच क्वेश्चंस आते हैं, पांच में से तीन जो होते हैं क्वेश्चन वो बिल्कुल इजी होते हैं, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, दो जो होते हैं वो टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चंस ही डिसाइड करते हैं कि जॉब किसको मिलेगी। इजी वाले तीन तो सभी अटेम्प्ट कर लेंगे बट टफ क्वेश्चंस वही करेगा जिसने हार्डवर्क किया होगा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के भी पांच क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चंस आते हैं, दो चार्ट्स आ जाते हैं,
बहुत इजी टॉपिक है ये, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। इंटरप्रिटेशन के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं, आप सभी वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, उन पर प्रैक्टिस करें। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सब आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आप डीआई से पहले रैदर ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो आपको डीआई में मिलेंगे वो मिलेंगे एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस के भी काफ़ी बार देखे गए हैं। अगर तो बच्चे अगर आप ये सभी टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो आपका डीआई ऐसा ही कवर हो जाएगा। डीआई कवर करने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एवरेज पे जोर रखें, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये पांच टॉपिक्स हैं जो आपको डीआई कवर करवा देगी। ये क्वेश्चंस जहाँ तो डीआई में भी पूछे जा सकते हैं, जहाँ के अलग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप ये सभी टॉपिक्स अच्छे से पढ़ें। बाकी वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्पीड, इनके आपको एक एक या दो दो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस के भी आते हैं, और ये परसेंटेज के भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, बाकी आपको डीआई में ही मोस्टली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। एज वाले क्वेश्चंस भी आप कवर करिएगा, यहाँ पे लिखना भूल गया। तो रही बुक की बात, तो फिर से मैं कहूँगी कि आप कोई भी बुक ले लीजिए, आप बुक में से कंसेप्ट समझें और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। बुक के एंड में क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन सीरीज होती है, आप वो सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाओगे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको खुद का भी कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा कि आप निकाल सकते हो। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डीआई, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और बच्चे कोशिश करें कि हफ्ते में दो बार, मिनिमम दो बार आप मॉक टेस्ट जरूर दें। दो तीन बार मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट आपको खुद नजर आएगी। और कोशिश करना कि आप जो भी मॉक टेस्ट दोगे वो 10 से 2 बजे, दोपहर 2 बजे के बीच में दो, ताकि आपके दिमाग को एक हैबिट पड़ जाए। ऐसे करोगे तो आपके दिमाग को एक हैबिट हो जाएगी, इस टाइम मुझे अपनी प्रोसेसिंग स्पीड तेज रखनी है।